ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के पुलिस लाइन में अपराध बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने की। इस मौके पर जिला सोलन के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक ने जिला में हो रही आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने और कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर मामले में गंभीरता से जाँच की जाए ताकि पीड़ितों को निष्पक्ष इंसाफ मिल सके। सोलन के पुलिस लाइन में अपराध बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने की। इस मौके पर जिला सोलन के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने जिला में हो रहे आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर मामले की गंभीरता से जाँच की जाए ताकि पीड़ितों को निष्पक्ष इंसाफ मिल सके। इस मौके पर जिला में बढ़ रहे साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई और इस पर नियंत्रण करने पर विचार विमर्श किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि आज सेबी से आए अधिकारियों ने यहां उपस्थित अधिकारियों और व्यवसायियों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी और बताया कि वे किस तरह से ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड से बच सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वे अपना पैसा कहाँ निवेश कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उनको पैसा सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर नशे को लेकर भी विचार विमर्श किया गया और लोगों और अधिकारियों को जागरूक करने का आग्रह भी किया गया। आज सोलन जिला में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से वक्ता आए थे, जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सोलन पुलिस और सोलन के व्यापार मंडल और बाकी नागरिकों को उसके बारे में ज्ञान दिया, उसके बारे में बताया कि आप अपने पैसे को कैसे निवेश करें और कैसे फ्रॉड से बचें। उसके अलावा ड्रग्स के ऊपर भी बातचीत की गई, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है जो कि 15 दिसंबर तक जारी रहेगा और उसमें सभी को काफ़ी सफलता मिल रही है, सोलन पुलिस को भी काफ़ी सफलता मिल रही है। इस साल अब तक सोलन पुलिस ने 100 से ज़्यादा नशे के जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए हैं। हमने एक शतक लगा दिया है और ये निरंतर प्रयास जारी है। इसमें सोलन की जो प्रबुद्ध जनता है उसने हमारा बहुत साथ दिया है। इसके साथ साथ सेबी से आए अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आजकल निरंतर साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे केवल जागरूक रहकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले तो साइबर क्राइम गली गलौज तक सीमित नहीं था, लेकिन अब लोग पैसा ऐंठने के लिए इसका भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले तो साइबर क्राइम गाली गलौज तक सीमित था, लेकिन अब लोग पैसा ऐंठने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए देश के नागरिकों को चाहिए कि वे किसी भी तरह के बैंक अकाउंट नंबर और घर का पता किसी से भी साझा ना करें, अपने व्यक्तिगत जानकारी किसी को ना दें ताकि ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके। आज सोलन में एसपी साहब की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक वित्तीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया था। इस वित्तीय जागरूकता शिविर में सभी के आला अधिकारी मौजूद थे और एनएसडीएल और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज से भी लोग थे। इस साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग जितने भी वित्तीय रूप के फ्रॉड हो रहे हैं, लोग आपकी कमाई को लूट कर ले जा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड हो रहे हैं और धोखेधड़ी हैं, उनसे किस हिसाब से बचा जाए, और इसमें बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड ओटीपी उन लोगों के बारे में भी जागृत किया गया। क्या करना चाहिए सर साइबर क्राइम को रोकने के लिए अवेयरनेस के साथ साथ? नहीं, साइबर क्राइम तो हमारे यहाँ पर काफ़ी दिन से चल रहे थे, लेकिन साइबर क्राइम में एक जो नया एंगल आ रहा है फाइनेंशियल लॉस। पहले साइबर क्राइम होता था आपको फेसबुक में किसी ने गाली दे दी या कुछ हो गया, लेकिन आजकल उसके साथ जो फाइनेंशियल क्राइम इंक्लूडेड है कि ओटीपी के थ्रू आपके पैसे ले रहे हैं, अनऑथराइज मनी कलेक्शन स्कीम में आपका पैसा लगा रहे हैं, आपको दुगने तिगने रिटर्न का झांसा देकर लोग प्रलोभन दे रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। और उनसे बचने के लिए जितना हो सके आप अपनी पर्सनल जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी थेफ्ट का वो चल रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने तक सीमित रखें। अपना एड्रेस हो गया, कार्ड नंबर्स हो गए, बैंक अकाउंट्स के, वो सारी सूचनाएं गुप्त रखें और उसको पब्लिकली डिस्प्ले ना करें। तो ये था दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।